रेलवे स्टेशन के बीचों बीच बनी मजार को करणी सेना ने हटाने की मांग। आपको बता दें, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनी मजार को हटवाने के लिए करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने बताया, जिला बरेली की इज्जत नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर एक कुछ बरसों पहले अवैध तरीके से एक मजार का निर्माण किया गया था। अभी कुछ दिन पहले रेलवे प्रशासन की ओर से उस मजार को तोड़ने के लिए एक नोटिस लगाया है, जिसमें कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा उस मजार को न तोड़ने में अड़ंगा लगाया जा रहा है। करणी सेना मांग करती है कि इस तरीके की शहर में जितनी भी अवैध मजार बनाई है उनको तत्काल हटाया जाए, साथ ही साथ इज्जत नगर प्लेटफॉर्म पर जो मजार बनाई गई है उसको तत्काल हटाई जाए ताकि जनता को आने जाने में दिक्कत ना हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो करणी सेना एक कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर होगी और अवैध मजारों के खिलाफ पूरे जिले में एक बेहद आंदोलन चलाएगी। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करणी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक मजार बनी हुई है जो काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। अब रेलवे प्रशासन द्वारा वहाँ एक नोटिस चस्पा किया गया है उस मजार को हटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम विरोधी जो लोग हैं, तत्व हैं, उसको हटाने से मना कर रहे हैं। तो आज हम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने आए हैं उस मजार को हटाया जाए, साथ ही साथ शहर में जितनी भी अवैध मजारें सरकारी भूमि पर बनी हुई हैं उनको तत्काल हटाने का काम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों को भी शासन व प्रशासन की ओर से हटाया गया, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। तो अब जब मजार हटाने की बात आई तो क्यों विरोध कर रहे हैं? शांतिपूर्वक उस मजार को हटाया जाए, अन्यथा करणी सेना एक कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर।